तो गाइस यहाँ पे एक बंदा गोल गोल घूमे जा रहा है, इससे पूछते हैं क्या दिक्कत है। भैया क्या हुआ? हाँ आवाज मेरी गूंज रही है क्योंकि ये खाली खाली है और सामने हमारी जिम है। सो मैंने फाइनली अभी पिछले वीडियो में बोला था जिम ज्वाइन करूँगा, तो मैं सभी को मोटिवेट करके लेके आ चुका हूँ जिम, क्योंकि रोज जाता ही था। गाइस मैं लेके आया हूँ, शायद ये मेरे को लेके नहीं आया है, और अब इसकी बॉडी बनवानी पड़ेगी। अभी जिम ओपन भी नहीं हुआ है, देख लो उससे पहले आ गए। इसे कहते हैं डेडिकेशन। 5 बजे टाइम नहीं रहती, लेकिन अभी 5:05 हो गए, अभी तक जिम नहीं खुली है। वेट करते हैं थोड़ा, जिम खुलेगी फिर चलेंगे अंदर। तो वैसे वही जिम है जिसका मैं पहले आया करता था बहुत सालों पहले। प्यार का देखो यही एक कारण है जिसके चक्कर में बहुत सारे नवयुवक जो जिम स्टार्ट करते हैं उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बुढ़ापे में। इसने आते के साथ इतना तगड़ा हैवी वेट मारा है कि मैं फाइनल में भी थोड़ी साइकिलिंग भी कर लेते हैं। ये कार्डियो सेंटर है, यहाँ पे ट्रेडमिल वगैरह है इस साइड पोर्शन में, उस साइड मेन जिम है। भाई पसीनों देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। लास्ट सेट बचा हुआ है, ये मारेगा फिर चलेंगे। हो गया गाइस, कुछ दिन हो जाएंगे मारते हुए, फिर डेडलिफ्ट मारेंगे। पहले मारते थे हम डेडलिफ्ट मस्त। गाइस आज की वर्कआउट हो गई हमारी पूरी, लास्ट सेट मारते हुए चलते हैं घर। भाई इतने दिनों बाद जिम आके पूरे 6 महीने बहुत ज़्यादा याद आ रही हूँ ये देख। तो भाई हमें एक पुराना दोस्त मिल गया, देखो इसके बैग में क्या क्या मिलेगा। चेकिंग कर रहा था भूत मिट्टी, वो ये करता है एसएससी ईयरबड्स। ये देखो एसएससी में सबसे तगड़ी चीज गमछा, ये वो ओझा सर बनना चाहता है। और ये क्या है? टेस्ट करो भाई, मतलब सही में कोई कोचिंग से आ रहे तुम? कौन सी कोचिंग है? तैयारी का किस चीज की बता दे भाई। तैयारी एसएससी कोचिंग। एसएससी कौन सा लेवल है? 10th लेवल, 12th लेवल, सीजीएल, ग्रेजुएशन, अपना क्वेश्चन नहीं देख रहा साले, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा किसी तैयारी कर रहा हूँ साले। अगर मैं बंदी है ना साले, मुझे मैं करता था तो मुझे पता नहीं रहता ना। अबे बता कहाँ पे करता है? तैयारी करो भाई, कोचिंग का नाम है। ये तो प्लैंक वाली बात है, निर्माण कर रहा है। ठीक है भाई, एंजॉय कर अपनी लाइफ। भाई जिम से घर आ चुके हैं, अब थोड़ा देते हैं प्रोटीन वगैरह, दूध वगैरह पीते हैं, और कुछ तो है नहीं पोस्ट वर्कआउट खाने के लिए। हमारे कल से चने वगैरह भी उगेंगे तो वही खाया करेंगे। तो मखान खा लेते हैं, उपले चला रही है हुक्का पीने के लिए। सॉरी, अरे इसलिए जला रही है, आपको धूमन जलाने के लिए। जब जल जाए उसके ऊपर धूमन रखेंगे तो फिर बहुत ही बेहतरीन खुश होकर दिखाऊंगा आप लोगों को। इसको जल जाने तो फिर दिखा दो। तो वैसे ही होता है धूमन, इसको इसके ऊपर डालेंगे। अब देखना कितनी प्यारी खुशबू आएगी, सुंगो।
इससे पूरा घर सुगंधित हो जाएगा। तो कोई जिम की वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैं लेट के फ़ोन चला रहा था, फ़ोन यूज़ करते थे, कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। 8:30 बज रहे हैं, तब जाके नींद खुली है। मम्मी दाल का पानी लेके आई है, तो ये सब चीज़ें प्रोटीन वाली चीज़ें होती है, तो ये सब पीनी चाहिए। दाल का पानी पीता है उसके बाद खाना खाएंगे। खाना भी बहुत कम खाऊँगा क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करना है पहले। ठंडा हो गया इसलिए फ़ैन चला रखा है। सुबह खाना पीना खा लिया, अब चलते हैं पार्क से आइसक्रीम वगैरह खा खाए थे, मतलब आइसक्रीम खा लेगा पार्क में घूम लेंगे सब यार। तो भाई यहाँ पे एक बंदा गोल गोल घूमने जा रहा है, इससे पूछते हैं क्या दिक्कत है। भैया क्या हुआ? हाँ गोल गोल क्यों घूम रहा है? बस पता नहीं इनको क्या हो गया है। इस पेड़ के नीचे कुछ बात तो है कि सब चल चल छोड़ आ जा भाई, सीधे जाओ घर। गाइस पता नहीं इनको क्या हो गया, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गाइस ये लोग नशा करके ऐसे घूमते हैं ऐसी रोडों पे। गाइस इसको तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मेरा मन था हेल्प करने का, रास्ता दिखाने का, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक वो नशे में है, जहाँ तक वो नशे में है क्या पता भूत भूत हो उसके ऊपर, ऐसा भी कह सकता है। तो हमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया और आ गए वापस पार्क के लिए। जाते वक्त भी अगर मिला तो हेल्प कर देंगे। सो गाइस आइसक्रीम ले ली हमने चॉकोबार, खाते हैं थोड़ी देर, घूमते घूमते हैं फिर चलेंगे घर वापस। शाम में गाइस मैं टहलने वहलने निकल जाते हैं ऐसी, शाम में मीन्स रात में खाना खाने के बाद। तुमने खाना खा लिया? क्या खाया? शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसे कहा गया है। नवरात्र चल रहे हैं, शाकाहारी खाएगा। शुद्ध शाकाहारी घास, शुद्ध शाकाहारी भोजन क्या? गैस करना, क्या है हमारे भारत का शुद्ध शाकाहारी भोजन किसे कहा गया है? भाई नहीं पता, बता जल्दी। दाल चावल। इलॉजिकल बंदा साले, सही में नॉर्मल खाना बोल सकते हैं शुद्ध शाकाहारी का। शुद्ध शाकाहारी है इसमें, शुद्ध शाकाहारी तो भाई वो भी हो जाएगा मटर पनीर की सब्जी और चावल। नहीं। क्यों नहीं उसमें? कैसी बात कर रहा, वो हमें उससे मिला है जानवर से, दूध पनीर किससे मिला है? जानवर से मिला है ना, तो शाका मांसाहारी वो दूध, मांसाहारी नहीं, शुद्ध शाकाहारी नहीं बोल सकते उसे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं, तो बहस भी नहीं कर सकता। स्नैप बना लेते हैं आइसक्रीम का, इतने ध्यान से अगर पढ़ लेता ना सब, वहाँ पे दो लड़कियाँ बैडमिंटन खेल लिया, इतने ध्यान से लगा पड़ा देखने में। कहाँ पे? अच्छा कहाँ पे, सामने और कहाँ पे? जिम करने की कितनी भी ट्राई कर लो, मैं सोचा था नहीं खाऊंगा मोमोस वगैरह, लेकिन ये लाइक बटन सब्सक्राइब चैनल। और गाइस इतना ज्यादा थक गया हूँ जिम जाके, जब सीधा सोऊंगा फैन करते हैं ऑन, गर्मी भी लग रही है, वीडियो के चक्कर में फैन बंद किया था, सो अब सोते हैं। Bye guys, love you all, keep supporting.